सांसद के बिगड़े बोल, ब्राह्मण समाज ने बैठक कर जताया विरोध। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता संगठन कौशाम्बी ने बुधवार को विजया के एक गेस्ट हाउस में बैठक किया, जिसमें सांसद विनोद सोनकर के वायरल वीडियो में ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया। मौजूद समाज के लोगों ने कहा कि किस इतिहास में उन्होंने पढ़कर यह बयान दिया। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने वाराणसी जनपद के अजगरा विधानसभा में वोट मांगने गए थे। उनमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को धर्म परिवर्तन करने वाला करार दिया। इसको लेकर ब्राह्मण संगठन ने काफी विरोध तथा आक्रोश जताया। इस मौके पर संतोष मिश्रा, अजय मिश्र, सौरभ तिवारी, अशोक मिश्र, बेनी शरण मिश्र, अशोक मिश्र, सत्येंद्र गर्ग आदि दर्जनों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। जो एक वीडियो माननीय सांसद जी का ब्राह्मणों के और वैश्य समाज और जो है ठाकुर समाज के लिए, सभी लोगों के समाज के लिए जो ये आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कौशाम्बी इसकी घोर निंदा करता है और इसका घोर विरोध भी करता है, क्योंकि ये इनका ये पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने ब्राह्मण समाज को कहा था कि घ्यू देत ब्राह्मण नरियाए, और 2-3 दिन बाद उन्होंने माफ़ी मांगा। ये क्या बात है? आप एक सांसद हैं और सांसद होने के बाद इतने बड़े जो है उसमें लोकसभा में आप जा रहे हो, और उसके बाद भी आपके व्यवहारिकता में इस तरह की आपकी मानसिकता खराब है। इससे साफ साफ हो रहा है कि आप ब्राह्मण समाज से दूरी बनाना चाहते हैं, लिहाजा ब्राह्मण समाज आपसे भी दूरी बनाएगा। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि दूरी बना लिया तो यहाँ पे आपकी स्थिति क्या होगी, ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। 2 बार यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको जिताने का काम किया है, भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में आपको यहाँ पर जो है जिताने का काम किया है, जबकि कौशाम्बी में ही लाखों की संख्या में ब्राह्मण मतदाता है। इसके बावजूद भी आप जो है ब्राह्मणों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज आपका घोर अपमान करता है और आपका विरोध भी करता है और करेगा। 2024 में चुनाव है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? 2024 में हम तो यही कहेंगे कि इनको कौशाम्बी से टिकट ही न दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि इनको टिकट न दिया जाए, और यदि टिकट देते भी हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका विरोध करेगा और इनको हराने का भी काम करेगा। आपका नाम? अमित कुमार त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, जिला कौशाम्बी, कोषाध्यक्ष। कौशाम्बी से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।